एमपी विधानसभा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की जैसी जैसी लिस्ट सामने आ रही है, चुनाव को लेकर तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। हालांकि फाइनल तस्वीर तो 3 दिसंबर को ही साफ होगी। इस बीच कांग्रेस ने गुरुवार को एमपी चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 88 नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माने जाने वाली सीट ग्वालियर की हो रही है। इस चुनाव में ये सीट हॉट सीट बनती नजर आ रही है। इस सीट से कांग्रेस ने सुनील शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी के विधायक मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ग्वालियर में इन दोनों ही नेताओं के अपने अपने जीत के दावे हैं। कांग्रेस की ओर से टिकट मिलने के बाद सुनील शर्मा तो काफी हाई जोश में नजर आ रहे हैं, जिसकी एक झलक उनके इस बयान में दिखाई दी। मेरी ग्वालियर विधानसभा की जो जनता है वो मेरा भगवान है, मैं उसको कोटि कोटि नमन करता हूँ, परमपिता परमात्मा को नमन करता हूँ और मेरे देवतुल्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ। और वरिष्ठ नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। ये विश्वास जनता का विश्वास है, ये जनता का आशीर्वाद जो मेरे साथ था उसकी जीत है ये। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जनता जो मेरी भगवान है वो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी। पूर्व में भी जनता ने तो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया था, जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था। ये जो सरकार है, जो छल कपट की सरकार है, इसने जनता के साथ धोखा किया है। और ये चंबल की धारा, गौरव ऋषि की तर्पो भूमि, मध्य प्रदेश की धारा ना धोखा किसी को देती है, ना धोखा देने वाले को बर्दाश्त करती है। बता दें कि 2018 में कांग्रेस ने जिस सिंधिया के चेहरे पर दाव लगाकर ग्वालियर चंबल के 34 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो सिंधिया बीजेपी खेमे में है। ऐसे में अब सिंधिया के साथ साथ बीजेपी की भी पूरी प्रतिष्ठा ग्वालियर चंबल में दाव पर लगी है। उधर इस सीट पर कभी एक ही कश्ती पर सवार रहे सुनील शर्मा और प्रद्युमन सिंह तोमर फिर से चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर देंगे। सुनील और प्रद्युमन दोनों सिंधिया खेमे के नेता थे। इन दोनों नेताओं में से प्रद्युमन सिंह को 2018 में कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन 2019 में वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। हालांकि सुनील ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा, कांग्रेस के साथ विपक्ष में रहते हुए आंदोलन करते रहे। माना जा रहा है कि उनके इसी संघर्ष और समर्पण की वजह से सबसे अधिक दावेदारों वाली विधानसभा सीट से सुनील को ही कांग्रेस ने फिर से मौका दिया। गौरतलब है कि ग्वालियर विधानसभा में 1952 से अब तक 12 बार चुनाव हुए। यहां से पहला चुनाव हिंदू महासभा ने जीता था। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी विजयी हुई। इसमें 4 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कांग्रेस को पहली बार तारा सिंह वियोगी ने 1980 में जीत दिलाई थी। इनमें भी एकमात्र प्रद्युमन सिंह तोमर को 2008 और 18 में 2 बार जीत मिली। प्रद्युमन कांग्रेस छोड़ बीजेपी से उपचुनाव लड़े और उनको जीत मिली। उधर इस चुनाव में कांग्रेस सभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। अब बीजेपी को दक्षिण और पूर्व विधानसभा से उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में नाम घोषित हो जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन पर माया सिंह, अरुण मिश्रा, नारायण कुशवाहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया में से नाम तय किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।